दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त का भुगतान आगामी 3 अप्रैल को कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। दरअसल महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त मिलने की तारीख सामने आ चुकी है और इस बार महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल को पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी जानकारी दी और कहा कि यहां पर उन्होंने जहां जहां दिक्कत है उसको दिखाकर तत्काल पैसे डाले जाएंगे। इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 लाख देंगे, कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है। बहुत से महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं आए, जिसको लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले डायरेक्टर से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ही % महिलाएं बची हैं जो ऐसे हैं। जिला स्तर पर अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर से निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर दिक्कत है उसको दिखाएं और तत्काल पैसा डाला जाएगा। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूं जो पात्र हैं, जिनकी सूची में नाम होगा, उनको मैं कहना चाहूंगी कि किसी प्रकार की अटकलें, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय का सुशासन है। कल से फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही अब आम आदमी के लिए बदलाव देश भर में लागू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलाव का असर पड़ा है, जहां स्थानीय स्तर पर शराब के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देसी शराब में प्रति पाव 10 रुपए की वृद्धि हुई है, तो वहीं अंग्रेजी शराब में 20 से लेकर के 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। जमीन की रजिस्ट्रियां कल से महंगी हो चुकी हैं और अब छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर फाइन लगने जा रहा है और इसी महीने से महतारी वंदन योजना की राशि दूसरी किस्त का भुगतान जो है होने जा रहा है। वहीं CBSE के स्कूल आज से लगने वाले हैं। आम आदमी से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से बदलाव हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जहां प्रॉपर्टी टैक्स में जो मिलने वाली 30% की छूट थी वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद से अब नहीं मिलने वाली है। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट को इस साल खत्म किया जा रहा है और 2018-19 में जय स्तंभ चौक से अगर मैं बात करूं, प्रति जमीन सरकारी जमीन की अगर आप खरीदी करते थे तो 10,428 रुपये प्रति वर्ग फुट पर मिलने वाली जो कीमतें हैं वो अब 7,300 प्रति वर्ग फुट पर मिला करती थी 30% की छूट के बाद, जो कि अब ना के बराबर होने जा रही है। जमीन की सरकारी दर बढ़ने की वजह से मार्केट रेट अपने आप बढ़ेगा, मकान डुप्लेक्स बंगले और फ्लैट की कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस सरकार के कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट देने का फैसला 25 जुलाई 2019 को जारी किया गया था, जो कि अभी तक चलाया जा रहा था। वहीं अब प्राइवेट स्कूल अपना फीस बढ़ा रहे हैं, नई फ्लाइट जो है शुरू हो चुकी है, संपत्ति कर पर अब अपना फाइन देना होगा इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। वहीं LPG गैस के दामों की बात करें तो कीमतों में कुछ बदलाव जो है होने जा रहे हैं। फास्टैग के लिए KYC अब आपको कराना अनिवार्य होगा। क्रेडिट कार्ड के भी नियम 1 अप्रैल 2024 से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने न्याय की 5 गारंटी दी है, जहां कहा हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकारी भर्ती में विशेष लाभ दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों को दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। भाजपा सरकार महिलाओं को 1,000 रुपए देती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार 8,333 रुपए प्रति माह देगी। इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलेगा। वहीं MSP कानून गारंटी जो है लागू करने की बात यहां पर कही गई। साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना करने की घोषणा की गई। महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति करे जाने की घोषणा की गई और देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा यहां पर अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंतर्गत कांग्रेस अब करती नजर आ रही है।
किसानों को 11 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है मिलने जा रहा है, जहां कलेक्टर ने राज्य सरकार को इसके लिए रिपोर्ट भेज दी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेलने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है, जहां राज्य के निर्देश पर सर्वे के बाद जिला प्रशासन मुआवजा का प्रकरण तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। वहीं इसके मुताबिक ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से जिले में 7648 किसानों के 6500 हेक्टेयर के फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें राजस्व पुस्तिका के प्रावधानों के मुताबिक जिला प्रशासन ने 11,11,55,520 रुपए का मुआवजा वितरण करने का प्रकरण तैयार किया है। वहीं पिछले दिनों जिले में अचानक हुई बेमौसम बदलाव की वजह से जमकर बारिश और ओलावृष्टि हो गई थी, जहां धमधा के कई इलाकों में खेतों में सिर्फ बर्फ की जो चादर है वो यहां पर बिछी नजर आई थी, जिसके बाद जिले के शेष हिस्सों में भी खेतों में जलभराव की शिकायत सामने आई थी और इससे चना गेहूं के साथ साथ उद्यानिकी और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। और इसी तमाम जो है देखते हुए राज्य शासन ने राजस्व पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की घोषणा की थी। खैर, अलग अलग जिलों में इसके लिए अलग अलग मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया है। खबर भिलाई से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया को पूरी तरह खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 5 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक जेएमडी केमिकल फैक्ट्री में बीती जो है शाम को भीषण आग लग गई। आग ने केमिकल के भरे टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसमें भीषण ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने तकरीबन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी के मुताबिक एमडी केमिकल फैक्ट्री में पेंट में मिलाने वाला और कई अन्य कार्यों में उपयोग होने वाला केमिकल स्टोर किया जाता रहा है, जहां सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल से भरा हुआ टैंकर और एक केमिकल के गैलन से लोड ट्रक जो है खड़ा हुआ था। ट्रक चालक ने बताया कि अचानक कंपनी के अंदर एक कमरे में तेज आवाज आई और वहां के कर्मचारी चिल्लाने लगे। जब वो वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है, तो अपना ट्रक निकाल कर भागो। इसके पहले ट्रक चालक ट्रक को फैक्ट्री के अंदर से निकाल, बगल से ही केमिकल लोड खड़े टैंकर में तेज विस्फोट हो गया और उसी आग का गुबार निकला। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर तकरीबन 1100 ध्वजवाहक निकालने जा रहे हैं। भिलाई में पूर्व मंत्री ने कहा कि एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम की अभियान शुरुआत की जा रही है। दुर्ग जिले में श्री राम जन्मोत्सव समिति ने रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले ध्वजवाहकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने सभी को सम्मानित करते हुए कहा कि एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने यहां लोगों के घरों से घर घर जाकर भगवान राम के नाम का दान प्राप्त किया। यह अभियान 15 अप्रैल तक लगातार चलेगा। भिलाई वासियों से इस पूरे अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया गया है। पिछले साल भिलाई में 100 क्विंटल से अधिक अनाज के जो है दान में लिए गए थे। दरअसल भिलाई में यह समिति पिछले 38 सालों से शोभा यात्रा निकाल रही है। 39वें वर्ष के अवसर पर गुंडीचा मंडप सेक्टर 10 और में 1100 से अधिक ध्वजवाहकों और झांकी मुखों का यहां सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, जहां 11 लोकसभा सीटों में अलग अलग तारीखों पर अवकाश घोषित हुआ है। इसके लिए जिलेवार आदेश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत वोटिंग वाली तारीखों पर 11 की 11 सीटों पर छुट्टी जो है रहने जा रही है। इन 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रदेश के अलग अलग जिले आते हैं। जिलेवार एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तारीख पर किस जिले में छुट्टी होगी। जहां पर अगर बस्तर की बात करें तो 19 अप्रैल 2024 को कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में छुट्टी रहने जा रही है। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो 26 अप्रैल 2024 को कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखरान, गंडई, साथ ही राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में। साथ ही अगर महासमुंद की बात करें तो यहां जिलेवार आदेश जारी करते हुए 26 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की गई है, जहां गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी में यह छुट्टी जो है रहने वाली है। वहीं कांकेर के लिए 26 अप्रैल, साथ ही सरगुजा के लिए 7 मई को जो है छुट्टी की घोषणा की गई है, जिसमें सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा आते हैं। रायगढ़ के अंतर्गत 7 मई को छुट्टी की घोषणा हुई है, जिसमें जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़ आते हैं। जांजगीर चांपा के लिए 7 मई, इसी के साथ ही कोरबा लोकसभा के लिए 7 मई, बिलासपुर और दुर्ग रायपुर लोकसभा के लिए 7 मई को घोषणा की गई है अवकाश को लेकर।
बिलासपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेटे को बचाने के लिए तीन जो है जाने चली गई। आग से बचने के लिए बच्चे को लेकर के गर्भवती माँ जो है बाथरूम में जा छिपी, जहां दम घुटने की वजह से इन तीनों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मकान में आग लगने की वजह से तीन जिंदगियां खत्म हो गई, जहां आग से 5 साल के बेटे को बचाने के लिए उसकी माँ उसको लेकर बाथरूम में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान दम घुटने की वजह से माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला गर्भवती रही। वहीं दयालबंद निवासी मुन्या कश्यप अपने दो बेटे रोहित रोमी और रोमी की पत्नी के साथ 5 साल के पोते अर्श के साथ रहते हैं। उनका मकान रविवार देर शाम तकरीबन 6 बजे अचानक आग लगने की वजह से जो है आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि आग मुख्य दरवाजे के पास से लगनी शुरू हुई और अंदर तक तेजी से फैल गई। खबर राजनांदगांव से, जहां स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले तकरीबन 107 वाहन चालकों पर 28,300 रुपए के जुर्माने की कार्यवाही की गई। राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही हुई है, जहां पद नाम लिखे गाड़ियों पर भी चालानी कार्यवाही को लेकर के यहां अंजाम दिया गया। राजनांदगांव ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर नंबर प्लेट पर पद नाम लिखना इत्यादि रुतबे दिखाते हुए घूमने वाले कई लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के अंतर्गत पुलिस ने आड़े तिरछे नंबर व स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्यवाही की। पुलिस ने बताया कि रविवार को तकरीबन कुल 107 वाहन चालकों पर विपरीत गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। वहीं साथ ही आड़े तिरछे नंबर पदनाम और पदनाम लिखे हुए वाहन तकरीबन 14 वाहन चालकों से 4,200 रुपए जुर्माने की कार्यवाही की गई और इसी तरह कुल अन्य धाराओं में 93 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करके हुए 28,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम फीस नहीं होने वाले हैं। जहां बीएससी में 7 तो वहीं एमएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आवेदन की तारीख 11 अप्रैल को रखी गई है। अंतिम तारीखों की बात करें, जहां छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग के लिए 7 अप्रैल, साथ ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए 11 अप्रैल निर्धारित है। नर्सिंग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के संयुक्त निदेशक नियंत्रक जय सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए तकरीबन 7,500 सीटें संचालित हैं। प्रदेश के 140 से कॉलेजों में ये कोर्सेज संचालित हो रहा है। इनमें से 8 सरकारी और 132 प्राइवेट कॉलेजेस शामिल हैं। डायरिया के मरीज अब टाइफाइड के शिकार होते नजर आ रहे हैं। रायपुर में पानी के सैंपल में खतरनाक बैक्टीरिया के जो है यहां पर लक्षण मिले हैं। रायपुर के लाभांडी इलाके में डायरिया के बाद अब लोगों में टाइफाइड की शिकायत मिल रही है। डायरिया रोग से लोग ठीक होकर वापस घर लौट रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मरीजों में टाइफाइड के लक्षण मिले हैं। वहीं दूषित पानी पीने की वजह से कॉलोनी की एक महिला में किडनी की संक्रमण भी फैल गई है, जिसके अंतर्गत अम्बेडकर अस्पताल के ICU में इनका वार्ड में इनका इलाज हो रहा है। लाभांडी में पानी की जांच के लिए जो सैंपल लिया गया था, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया के अलावा साल्मोनेला बैक्टीरिया भी मिला है। इसी के कारण डायरिया की शिकायत भी लोगों को दूसरी बीमारियों के साथ हो रही है। वहीं कॉलोनी में लोगों को डायरिया की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक संकल्प सोसाइटी में सीवरेज का पानी भी जाम हो रहा था। दलदल से पानी निकालने के लिए अस्थायी व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन पानी को निकालने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। 2 साल पहले भी यहीं पर जो है डायरिया फैला हुआ था। लाभांडी के प्रधानमंत्री आवास आदर्श संकल्प सोसाइटी में 2 साल पहले भी डायरिया फैल चुका है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया कि उस समय दूषित पानी पीने की वजह से 58 लोग डायरिया के शिकार हुए थे। छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ने की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर अब धीरे धीरे सभी जिलों में कक्षाएं लगनी सुबह से शुरू हो रही हैं, जहां सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक कई जिलों में कक्षाएं लगने को लेकर अब आदेश लगातार जारी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे तापमान के बाद 5 जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिसमें बीजापुर, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, बालोद और कोरबा, साथ ही MCB में पाली में संचालित होने वाली स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। और जिला कलेक्टर ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने
यहाँ पर आदेश जारी किया है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो अब तापमान 41 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। रायपुर में 38.8 डिग्री जबकि राजनांदगांव में 41 डिग्री, बीजापुर में 38 डिग्री जबकि दंतेवाड़ा में 38, दुर्ग में 38। वहीं अधिकतम तापमान यहाँ पर प्रदेश के 5 जिलों की हम आपको बता रहे हैं। वहीं बिलासपुर में बीते दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजनांदगांव में सामान्य से 8 डिग्री जो है दिन का पारा जो है रिकॉर्ड किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्लीन बोल्ड है। बिलासपुर में इन्होंने कहा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष से दीपक बैद जो है चुनाव हार चुके हैं, 11 की 11 सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। बिलासपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया। साथ ही इसी के मद्देनजर भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जिस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की जहाज डूब रही है, उनके सभी 11 प्रत्याशी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भाजपा के मंडल अध्यक्ष से चुनाव हार गए। साहब ने कहा कि इस बार पार्टी ने बैज को टिकट न देकर किनारे कर दिया और अब नैतिक रूप से उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा की 11 सभी सीटें जो है जीतने वाली है। कांग्रेस के सभी खिलाड़ी क्लीन बोल्ड होकर जीरो पर आउट होंगे। नेताओं ने केंद्र और राज्य की उपलब्धियां जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में गिनाई। वहीं कांग्रेस के नेता प्रभुराम के अस्तित्व को यहां पर नकारते हुए है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस के नेता प्रभुराम के अस्तित्व को ये सब नकार देते थे। आयुष्मान योजना से इलाज को अब मरीज तरसते नजर आ रहे हैं, जिस पर विकास उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टरों को बुलाकर बीजेपी झूठ पर उसने का काम कर रही है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि धरती पर भगवान जैसे डॉक्टरों से भाजपा छलावा कर रही है। मरीजों को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित किया जा रहा है, मरीजों को इलाज के पैसे न देकर मरीजों को मौत के कगार पर छोड़ा जा रहा है। राज्य की सरकार बड़े बड़े सम्मेलन करने में व्यस्त है, डॉक्टरों को कार्यक्रम में बुलाकर बीजेपी उनके सम्मान में सामने झूठ परोस रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के इलाज से मरीज वंचित हैं। पूर्व में डॉक्टरों द्वारा किए गए हजारों करोड़ों रुपए के भुगतान नहीं होने की वजह से डॉक्टरों के सामने राज्य की बीजेपी सरकार झूठ का पुलिंदा परोस रही है। सीएम साय ने कहा कि देश हित में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो तय किया जा रहा है, वादों को लेकर भी अब लिस्ट तैयार हो रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम विश्वदेव साय ने कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र देश और प्रदेश के हित में होगा। साय ने कहा कि बीजेपी लोगों से सुझाव भी ले रही है।